देखिए टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र में टॉर्क यानी कि आघूर्ण। पहले इसका मतलब समझिएगा, टॉर्क का मतलब क्या होता है फिजिक्स की भाषा में, टॉर्क का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसा फोर्स जो भी किसी बॉडी में रोटेशन क्रिएट कर, उसको घुमाने की कोशिश करे। जैसे हमने कहा मारेंगे लात, गिर जाओगे खड़बड़ा करके, तो मारेंगे लात मतलब क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है, वो फोर्स हो जाएगी। और बोलेंगे मारेंगे कंटाप की खोपड़ी घूम जाएगी, तो जो कंटाप मारने में जो खोपड़ी घुमा रहे हैं वो कौन सा फोर्स है? वो टॉर्क। टॉर्क का मतलब फोर्स, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल रखा है। उस डाइपोल क्या करता है समझिएगा, पहले एक चीज समझिएगा। हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वो प्लस से दूर माइनस की ओर होती है, ठीक है। इसको इस तरह समझिएगा कि दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, एक में चार्ज पॉजिटिव है और एक में चार्ज निगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगा भाई? प्लस इधर की ओर भागेगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब क्या होता है? राइट। नहीं वहां देखो ना, वहां बाहर तरफ होगा, कोई सड़क थोड़ी है, गेट लगा है बाहर तरफ भागेगा। अरे निगेटिव प्लेट की ओर भागेगा, उस पर निगेटिव प्लेट की ओर फोर्स लगेगा। और जब निगेटिव चार्ज का होगा तो इधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव की ओर लगेगा। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे तो वहां निगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट तो दिखाएंगे नहीं। तो इतना हम याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। ये याद कराने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? हर जगह एक जैसा। अब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते कैसे हैं? तो आप पैरेलल लाइंस बना लीजिए, ऐसे ऐसे पैरेलल लाइंस बना लीजिएगा, और इनके बीच की दूरी कैसी कर दीजिएगा? एक जैसी कर दीजिएगा, पहली बात ये है, ठीक है। तो इनका जो सेपरेशन हो एक जैसा, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हर जगह समान है। अब आप कहेंगे कैसे हो सकता है भाई, दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम ज्यादा होता है। जब हमसे कहा जा रहा है यूनिफॉर्म है तो हम उसमें एक बट क्यों करें? तो हमसे कहा गया है कि जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो होगा, जैसे क्रिएट किया गया होगा। तो इसमें डाइपोल रखा, ये हमने यहाँ पर एक डाइपोल रखा, ये ए बी हमने यहाँ पर डाइपोल रखा, ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। हर जगह थीटा होगा, जहां चाहो वहां थीटा होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू ई। इसकी दिशा क्या होती है? तो हमने कहा पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट लगता है। यानी इसमें जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और इसमें अपोजिट लगेगा, यानी ये क्यू ई अपोजिट लगेगा और ये क्यू ई। अब आप कहेंगे तो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू से तो दिशा से मतलब। अब बताइए इन दोनों का, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, इन दोनों का नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स जो इसमें काम करेगा, नेट फोर्स वो तो जीरो होगा ना भाई। फोर्स का मतलब है जो बॉडी को आगे की ओर खींचे, तो ये वाला जो फोर्स है एक्चुअली डाइपोल को कर क्या रहा है, वो इधर खींच रहा है आगे बढ़ो, और ये वाला फोर्स इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? जीरो। यानी ये वाला जो डाइपोल है वो आगे पीछे तो नहीं जाएगा। हाँ, ये दोनों जो फोर्सेस हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, और हम जानते हैं जब किसी बॉडी पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करते हैं, पैरेलल हो और उनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तो बॉडी को घुमाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यानी ये बॉडी को ऐसे, ये इधर फोर्स लगेगा, ये इधर लगेगा, इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, यदि उसमें टॉर्क क्रिएट हो जाएगा, उसी टॉर्क को निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? कोई एक फोर्स और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको कोई एक फोर्स उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होता है। तो देखिए ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ध्यान से देखिए आप, और ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। तो अगर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन जो होती है, क्रिया रेखा कहते हैं, उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना,
एक ये फोर्स एक ये फोर्स, ये डिस्टेंस हो गई परपेंडिकुलर बीसी और ये है 2L, तो हम जब टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, ये जो हमने कहानी बताई ना, इस थोड़ी सी कहानी इसमें लिखनी पड़ेगी, ये फोर्स कैसे है और इसकी वजह से डाइपोल पे एक्शन क्या होगा। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स बोले तो क्यूई और डिस्टेंस बोले तो बीसी। और ध्यान से देखिए बीसी कैसे निकलेगा, ये थीटा, ये भी थीटा होगा, ये हर जगह थीटा मत शो करना, तो दिखाने के लिए मैंने शो किया। अगर इस ट्राइंगल में जो आपका एबीसी है इसमें साइन थीटा लगा दीजिए तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 12 साइन थीटा हो जाएगा, तो आएगा 12 साइन थीटा, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन एबी, तो बीसी की वैल्यू क्या निकलेगी, एबी साइन थीटा। अब देखिए 2QL अलग कर दो इंटू ई साइन थीटा अलग कर दो, ये क्या लिखा है, तो लिखा आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, यानी कि पी, ये पी साइन थीटा हो जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा एटा। और इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म की बारे में बात करें तो टाउ इज इक्वल टू वी क्रॉस ई, ये वेक्टर फॉर्म होता है, इस नोट के लिए फिर हम डेफिनेशन की बात कर सकते हैं। अब जरा देखिए इसकी डायरेक्शन, देखिए कैसे जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो ए क्रॉस बी आपने पढ़ा 11th क्लास में कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है, मालूम क्या तरीका, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन देखने का तरीका बताइए क्या होता है, अच्छे से करना है, अच्छे से कुछ भी कर दो नहीं मालूम, नहीं एंटी पेंटी कुछ नहीं होता है, ये कैसे देखी जाता है समझ होता हूँ, जो डायरेक्शन दिखाया उसको या वेरी गुड ऐसे दिखाते हैं, सुनिए ध्यान से, अरे सुनिए, जिधर ए है उधर अपनी राइट हैंड की हथेली करिए, ए की डायरेक्शन कर लिया, और जिधर बी है उधर उंगली मोड़, ठीक है मोड़ दिया, तो जिधर अंगूठा होता है वो उसकी डायरेक्शन दिखाता है। तो यहां वैसे कुछ, यहां चूंकि 3D डायग्राम हो सकता है, यहां दिखा नहीं पाएंगे, ये पी की डायरेक्शन है, तो पी की डायरेक्शन तरफ हम क्या करेंगे, हथेली मोड़ेंगे ऐसे नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड तरफ क्या करेंगे, हाथ ऐसे मोड़ेंगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर तरफ, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब यहां पर अब इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, जरा सुनिए यहां पर, यहां पर देखिए ये आपका जो टाउ है ना तो पी चेंज होने वाला ना तो ई चेंज होने वाला है, क्योंकि ई आप बता रहे हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चेंज कौन होने वाला है, थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या दे कि टाउ मैक्सिमम हो जाए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 तो टाउ विल बी मैक्सिमम और वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीई, तो पी की वैल्यू क्या निकलेगी, टाउ मैक्स अपॉन ई। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन देनी हो तो हम डेफिनेशन कैसे देते हैं, अगर यहां पर ई को 1 मान लें, ई इज इक्वल टू 1 तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ मैक्स, यानी कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल, सॉरी 90 एंगल बनाता हुआ रखा हुआ है, तो उस पर जो मैक्सिमम टॉर्क लगता है वही उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल इज द दैट मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लूप, देख सकते हैं डेफिनेशन, समझाई बात नहीं है, नोट कर लीजिए, हमने कहा थीटा 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम फोर्स आ गया, मैं डायग्राम मान लेते रब कर रहा हूं, देखो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चाहता क्या है, कि ये डायपोल हमारे डायरेक्शन में आ जाए, वो सभी यही चाहते हैं, भाई हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, जो हम पढ़ाए वो आप पढ़ो, या कुछ टीचर चाहते हैं स्कूल वाले हमारे आप ट्यूशन पढ़ने आओ, और आप देखो ये डायपोल घूम रहा है, अगर ये डायपोल इधर घुमा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मान रहा है नहीं मान रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे घुमा रही है भाई, ऐसे घुमा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको पूरी ताकत से घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, अब यहां तक तो पूरी ताकत तो लगा देगा,
तो उसे मालूम है अगर इधर से इधर गया तो गया, घूम जाएगा वो, उधर घूम जाएगा ना। ऐसे सेफ इधर कोई चीज घुमाना चाहता है बॉडी, आप कोई इधर घुमाना चाहता है और आप ऐसे घूम रहे हो तो बहुत ताकत लगा, 90 डिग्री तक तो आपको पूरी ताकत लगा देगा अपनी, लेकिन उसको मालूम है कि 90 डिग्री से इधर घुमा तो इधर घूम जाएगा, इसलिए वो फोर्स लगाता है। ये हमारे साथ प्रैक्टिकली होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि ये डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है। अब एक केस आता है कि भाई अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आपकी बुक में तो नहीं है उसमें। नेक्स्ट आप लिखिए डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग है और उसमें डाइपोल रखा हुआ है तो लफड़ा क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से। जैसे मैं कहूं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और हमने यहां पर आर मान लिया है, यानी ई डिपेंड्स अपॉन आर, ई डिपेंड्स अपॉन आर, आर पर डिपेंड करता है। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड घुमाने की कोशिश करेगा तो करेगा, वो तो काम खत्म है, वो उसकी हम बात नहीं करेंगे, टॉर्क तो उस पर लगेगा लगेगा। अब मान लिया हमने कोई डायपोल ऐसे रखा, और अच्छा ये हमने नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर मैं मानूं कि इधर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं मानूं इधर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इधर कम है वो इधर ज्यादा है, बोले कैसे, अब वो अलग की बात, कैसे, वो तो जैसे वो डेवलपमेंट किया गया वो तो बात की बात। और ये डाइपोल साहब इसमें रखे हुए हैं, अब जरा इस डाइपोल को ध्यान से देखिएगा, यहां पर निगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अच्छा अब जरा देखिए, ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है इस पर फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, क्यू इंटू ई ए मान लेते हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने क्या मानी, ई ए चेंज हो जाएगी ना, और यहां पर जो फोर्स लगेगा उस पर लगेगा क्यू इंटू ई, इसका नाम बी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बी रख लो, तो इस पर फोर्स लग गया क्यू ई इंटू ए, ए सफिक्स में लगा हुआ है, उसका कुछ नाम दोगे ना, अब सब स्कूल में प्रखर 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 कितने प्रखर, तो कैसे नाम दोगे, प्रखर वन प्रखर टू, या अम्मा के नाम से आप लिख लगाएंगे, प्रखर आवलिक मालती प्रखर प्रखर श्रीमती, एक लड़का था उनकी मम्मी का नाम श्रीमती, नाम ही था श्रीमती, तो हम वो नाम, हाँ रोहित श्रीमती, मम्मी रोहित थे, तो इसमें क्यू बी हो गया, क्यू ई बी हो गया। तो अब बताइए ई बी बड़ा है या ई ए बड़ा है, इंक्रीजिंग ई बी बड़ा है, तो नेट फोर्स क्या, इस डाइपोल पर जीरो है, फोर्स की बात कर रहा हूँ, टॉर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, नेट फोर्स क्या इस पर जीरो है, नहीं जीरो है। तो अगर मैं कहूँ भाई इस पर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो आप लिखेंगे नेट फोर्स मान लेते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू ई बी माइनस क्यू ई ए, यानी क्यू कॉमन ले लेंगे, ई बी माइनस ई ए, ये नेट फोर्स इस पर लगेगा, नहीं समझे, ये नेट फोर्स हो गया। और अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो ये नहीं, तो ये आपका नेट फोर्स निकल आया, इसका मतलब ये जो डाइपोल होगा ना ये घूमेगा तो है, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, कैसा मोशन होगा, डाइपोल हैज, डाइपोल विल हैव ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन आल्सो, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रेखीय गति भी होगी, ट्रांसलेशनल मतलब क्या होता है, इसमें रेखीय गति होगी, किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर होगी आल्सो, डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, समझ आई बात ये, ठीक, ये अक्सर नहीं आता है, अक्सर पूछा भी नहीं जाता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, इसलिए चूंकि इसमें टॉपिक है तो मैं बता दिया, नोट कर दिया। अब ये जरा उल्टा केस कर दो, इसमें देखिए ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहने दो, सुनिए ध्यान से,
अब जरा इस डाइपोल को उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, डाइपोल को मैं पलटे दो, ठीक है, इधर प्लस क्यू रखे दे रहा हूं, सॉरी इधर माइनस क्यू रखे दे रहा हूं और इधर प्लस क्यू रखे दे रहा हूं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो प्लस क्यू पे जो फोर्स काम करेगा, इसका नाम तो ए रख दो, इसका बी रख दो, नाम जानबूझ से रख रहे हैं जिससे ये चीज डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इस पर फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन ए मान लेते हैं, फोर्स ऑन ए कितना लगेगा, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, एक फॉर्मूला होता है, ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है, यानी कि यहां पर फोर्स जो एफ ए लगेगा वो इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अच्छा, और फोर्स ऑन बी जो लगेगा वो लगेगा क्यू इंटू ई इंटू बी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, ई इंटू बी या एफ इंटू बी जो भी लिखना हो। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन, चूंकि ई बी बड़ी है, आपने साफ साफ लिखा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही उसको आपने छेड़ा नहीं और आपने डाइपोल को चेंज किया है, तो ये जो एफ बी है ना वो ग्रेटर देन एफ ए है, तो नेट फोर्स यही लगेगा, तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन जो पहले वाले में था वो किधर था, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और इसमें क्या हुआ भाई, नेट फोर्स एफ बी है ना, तो जो डाइपोल है वो किधर मूव करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो क्या होगा, डाइपोल विल हैव ट्रांसलेशनल मोशन ऑल्सो इन द डायरेक्शन, क्या होगी, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, सही मैंने कहा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, राइटिंग थोड़ा गंदी क्या, वो गंदी लिख देते हैं, समझ आई बात, नोट करिए इसको, मतलब आप क्यों ये नोट करिए, अपने आप लिख लेंगे, या लिख लीजिए ओके। यहां पर एक आता है इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो जैसे पहले केस में जब हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला केस क्या लिखा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे थे, तो वहां पर नेट फोर्स, फोर्स की बात हम कर रहे हैं, टॉर्क की बात नहीं कर रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना लग रहा था, जीरो, और जब थीटा जीरो हो गया था, थीटा जीरो मतलब जो टॉर्क, जो डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया था, तो टॉर्क भी क्या हो गया था, जीरो, यानी ना तो उसमें कोई लीनियर मोशन है, ना तो वो आगे पीछे मूव करेगा, ना तो वो घूमेगा, सब कुछ जीरो हो गया, तो यानी कि वो बॉडी कैसी है, वो डाइपोल कैसा है, वो हो जाएगा इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन एक लफड़ा भी है, अब जरा समझिएगा और ध्यान समझिएगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है भाई साहब डाइपोल, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है, नेगेटिव पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है, ये नेट जीरो है, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको घुमा के उल्टा कर दूं, इधर प्लस कर दूं, इधर माइनस कर दूं, तो प्लस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की ओर लगेगा क्यू ई, और माइनस की ओर लगेगा वो इधर की ओर लगेगा क्यू ई, इस पे भी तो नेट फोर्स जीरो है, और यहां पर सेकेंड केस में थीटा 180 डिग्री है, तो टॉर्क भी जीरो है, नहीं जीरो है, जीरो है ना, दिमाग लगा रहे, जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, घुमा दिया पूरा 180 डिग्री से, तो साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। लेकिन ये भी इक्विलिब्रियम होगा, ये केस भी कैसा होगा, इसमें भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जरा देखिए ध्यान से, पहले केस में अगर हल्का सा डाइपोल को घुमा देते हल्का सा, तो फिर उसी पोजिशन में आ जाता, क्योंकि उसी पोजिशन में रहना चाहता है ना, क्या ये डाइपोल इस पोजिशन में रहना चाहता है, जी नहीं, प्लस इधर चाहता है और माइनस इधर चाहता है, ये चाहता है ना, तो जरा सा भी हम घुमाएंगे ना, तो
फिर से रोटेट करके इधर डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा करेगा समझा रही बात नहीं है भाई। जैसे टीचर ने सोचा कि हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आवे स्कूल टुकड़ा रखा, आप चले गए, वो भी खुश हो तुम हो खुश, देखो तुम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। और बढ़िया आराम से कापी में नहीं भी बरकत गुड लिखा हुआ, हमें एक कापी देखी थी एक साल टीचर ने चेक किया उसमें गुड लिखा हुआ, ये बता दो तो इतने गधे टाइप के उसमें गुड कैसे लिख दिया। बोले सर के कान में पूछा था बैच की टाइमिंग क्या है, हमने कहा पढ़ने तो जाओगे नहीं तो डांटेंगे नहीं। बोले नहीं अगली बार जब थोड़ा सा तो ये जो गुड वाला है ये दसवंधा दिन चल जाएगा, इसके बाद जब होगा तो हम ऐसा करेंगे पूछेंगे सर कहाँ पढ़ाते हैं, ऐसे एक आदमी ना डालेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपोजिट चले गए तब क्या होगा, जैसे क्लास में एंट्री करेगा फोर्स तो नहीं लगाएगा आप, क्योंकि आप बिल्कुल एंट्री होकर के चले गए ठीक है तो वो, लेकिन उसमें जब जिसमें आप होगी उसकी नजर मिलेगी ना उसमें समझ लीजिए स्थिति क्या होगी ठीक है। वो चाहेंगे उस घूमो और आ जाओ बस, तो जैसे इसको घुमाएंगे ये अब फिर उसी पोजिशन में आने की कोशिश करेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है वो भी है, उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाते हैं? और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं समझे? जैसे मान लिया कोई बॉडी ऐसे यहां रखी हुई ज्यादा थोड़ा पीएफ टाइप का बना, इसी बॉडी को आराम से यहां रख दो, यहां पर यहां रख दो बॉल को और घुमाओ इधर या इधर घुमाओ, तो फिर घूम फिर के यहां आने की कोशिश करेगी। तो ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है, ये कैसी है? स्टेबल है। और कोई यहां रख दो ये भी इक्विलिब्रियम है, जरा धक्का मार दो फड़वा गिर जाएगी नीचे, तो ये अनस्टेबल है ठीक है। और यहां रख दो घुमा दो यहां जाके वो रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो ये तो ना ना स्टेबल है ना ना अनस्टेबल है ठीक है, ये ना घूमती रहती है, ये स्टेबल अनस्टेबल समझ गया। मतलब जरा सा भी आप डिस्टर्ब करिए कि बॉडी अपनी पोजिशन को चेंज कर दे तो वो अनस्टेबल है, और चेंज करने के बाद अगर फिर वहीं पर आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों केस में इक्विलिब्रियम है, लेकिन एक में अनस्टेबल है एक में स्टेबल। समझ आ गई बात? नोट मान लीजिएगा, कल इसके न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, पढ़ जाइएगा ठीक है, नहीं फिर तो हम क्वेश्चन लगाएंगे आप उतारिएगा। और थोड़ा अपने अंदर से जो डर है ना, अरे दादा प्रूफ कुछ नहीं होता।